कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी खत्म हो गया, कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल गया, लेकिन राजस्थान विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पायलट गहलोत की लड़ाई कब शांत होगी? अभी राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हाल ही में नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। इस मुलाकात को पायलट की अगली भूमिका से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 27 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष से लंबी चर्चा की है। खड़गे के पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पायलट ने पहली बार उनसे मुलाकात की है। पायलट ने पार्टी अध्यक्ष को राजस्थान के सियासी हालात और चुनावी साल में बनने वाले समीकरणों पर फीडबैक दिया है। राजस्थान सरकार के कामकाज, अगले विधानसभा चुनाव और पिछले 2.5 साल से पार्टी में ग्रास रूट स्तर पर संगठन के पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मुद्दे पर भी बात की है। सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। इस मुलाकात में पायलट ने खड़गे को हिमाचल के चुनावी हालात पर भी फीडबैक दिया है। पार्टी ने पायलट को विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दे रखी है, साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कमेटी के वे सदस्य भी हैं। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट की भूमिका के बाद ही राजस्थान कांग्रेस की दशा और दिशा तय होगी। हालांकि पायलट को भविष्य में क्या जिम्मेदारी मिलती है इसका फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों के विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के कारण नए सीएम का फैसला हाईकमान पर छोड़ने का एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। अब जब खड़गे ने नए कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली है तो यह इसके पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नए सिरे से प्रस्ताव पारित करवाने के लिए फिर से ऑब्जर्वर को राजस्थान भेज सकती है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान का विवाद चुनावी साल से पहले निपटाना चाहता है, इसलिए पहले संगठन स्तर के ऊपर से नीचे तक खाली पदों को भरा जाएगा। संगठन के बाद ही सरकार के नेतृत्व को लेकर कोई फैसला होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के चार्ज संभालते ही 26 अक्टूबर को सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। अब खड़गे अगले महीने तक CWC और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी संगठन में नियुक्ति करेंगे। संगठन की नियुक्तियों के करने के बाद राजस्थान की बारी आएगी। नवम्बर दिसम्बर तक पायलट के रोल पर फैसला होने की उम्मीद लगाई जा रही है। पायलट की गांधी परिवार से सितंबर में उनके भावी रोल पर चर्चा हो चुकी है। वहीं हाल ही में पायलट की नए अध्यक्ष से भी मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में अब पार्टी हाईकमान के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।